हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि कैसे हम एक कटोरी मलाई से 200 ग्राम बटर भी निकालेंगे और बचा हुआ जो बटर मिल्क है उससे हम पनीर भी बना लेंगे। तो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होने वाली है, सब चीज़ का सही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी मलाई, जिसे मैंने एक घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल दी थी ताकि ये थोड़े बीट करने में आपको आसानी हो। तो इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं बड़े में, ताकि बड़े बर्तन में डालने से ये मलाई छिटकती नहीं है और आराम से फेंटने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये थोड़े से बड़ा बर्तन यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो इसे आप चाहें तो इस चम्मच की सहायता से इसे फेंट सकते हैं। इसमें आपको 5 से 10 मिनट लग जाती है जब आप इसे चम्मच की सहायता से, और ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर कि आप चम्मच कितनी अच्छे से फेंटते हैं। यहाँ पर मैं एक हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी, इससे बहुत ही फटाफट से निकल जाती है मलाई में से मक्खन निकल जाता है। तो बहुत हाई स्पीड में नहीं कर रही हूँ, थोड़ा लो स्पीड में ही मैं इसे पहले बीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें एक तरफ इस तरह से सारी मलाई को बीट करते रहना है। 2 से 3 मिनट में ही मक्खन निकल जाता है, बहुत ही इजीली कर पाते हैं। अगर आपके पास ऐसा हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप चम्मच से कर लें, बिल्कुल ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ये। आप चम्मच से भी इसे आसानी से कर सकते हैं और सेम उतना ही आपको मक्खन निकलेगा। ये देखिए मलाई हमारी एकदम कड़क हो गई है फेटते फेटते। इसे अभी हम और फेटेंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि इसमें से दूध अलग हो जाए और ये मक्खन मक्खन हमारा अलग और निकल जाए। तो ये यहाँ से हमें फेटते हुए देखिए, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इसमें से। अब हम एक चम्मच की सहायता से इसे करेंगे। लास्ट का जो 1 मिनट का प्रोसेस है इसे मैं चम्मच की सहायता से करती हूँ, ताकि मुझे एकदम अच्छे से अपने हिसाब से पता पड़ जाए कि इसका दूध कब निकलने वाला है। बस इसमें अब ये इसमें सिर्फ 1 मिनट लगने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक ही तरफ इस तरह से घुमाते हुए घुमाते जाएं इस तरह से। ये देखिए आप देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा दूध निकलने लग गया है। इसी तरह हमें इसे घुमाते घुमाते इसका जब दूध निकलने लग जाए उतनी देर तक हमें फेंटना है। ये देखिए इसका दूध अलग निकल गया है। ये सारा दूध को हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे, इसी से हम पनीर बनाएंगे। ये मैं एक पनीर इसका एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और ये बाकी का हमारा मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। इसे पानी से हम धो लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ठंडे पानी से इसे धो लीजिए, ताकि इस मक्खन में से जितना भी दूध एक्स्ट्रा दूध बच गया हो वो सारा निकल जाए। अगर दूध रह जाएगा तो मक्खन आपका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसका ध्यान रखें कि आप इसे 2 से 3 बार ज़रूर धोएं मक्खन को। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा नमक मिला के बिल्कुल बाजार जैसा बटर बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने नमक नहीं मिलाया है। इसे एक देखिए बाउल में निकाल लेती हूँ, ये पानी जो निकल गया है, और ये जो कटोरी में कांच की कटोरी में जो दूध है वो भी मैं इसे इसमें मैं डालूंगी। इसे और थोड़ा पानी डाल के धो लेते हैं। इसे मैंने कहा था 2 से 3 बार धोना बहुत ज़रूरी होता है इस बटर को। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं अब बिल्कुल भी पानी में दूध नहीं निकला है। तो ये हमारा मक्खन बिल्कुल बलकर तैयार हो गया है, बिल्कुल बाजार जैसा मक्खन बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए इसे एक मैंने एक बाउल में निकाल लिया, पूरा बाउल भर गया है, मतलब 200 ग्राम करीब मक्खन निकल कर तैयार हो गया है हमारा यहाँ पर। तो देखिए कितने आसानी से घर पर आप बना सकते हैं घर में मक्खन, बस मलाई जमा कर कर 2 से 3 दिन की मलाई जमा करके। ये देखिए हमने इतना सारा मक्खन निकाल लिया है, और ये बचा हुआ पानी है ना, इसे हम गर्म करके इसमें से पनीर निकालेंगे। वो भी देखिए आप बहुत ही आसानी से ये भी हो जाएगा। तो सारा कुछ भी वेस्ट नहीं डालने वाले हैं हम, सारे वेस्टेज को भी पूरा यूज़ करेंगे। तो इसे गर्म कर लेते हैं हम। देखिए इस तरह से देखने में ये बिल्कुल पतला लग रहा है, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, लेकिन इसमें से भी हमारा पनीर निकल जाएगा काफ़ी सारा। और जो आप पानी निकलेगा उससे भी आप आटा गूंदने में काम ले सकते हैं। तो सब चीज़ को हम यहाँ पर इसी तरह से यूज़ करते हैं। ये देखिए गर्म होने लग गया, इसमें थोड़ा नींबू का रस डालेंगे। ये मैंने आधा छोटा नींबू काट के रस निकाल के रखा हुआ है, इसमें पहले थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा डाल के इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए नींबू का रस डालते ही ये बिल्कुल फट गया है। थोड़ा सा और नींबू का रस डालेंगे ताकि ये एकदम अच्छे से फट जाए और सारा पनीर इसका निकल जाए। तो
ये थोड़ा सा नींबू का रस मैंने और डाल दिया है ऐड करते ही। ये देखिए एकदम अच्छे से सारा हमारा दूध फट चुका है। इसे साफ कपड़े में छान लीजिए या फिर आप छालनी में छान सकते हैं। यहाँ पर मैंने साफ कपड़े में छान कर इसके ऊपर एक भारी डब्बा रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा वो निकल जाएगा। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद में वो डब्बा मैंने हटा दिया है। ये देखिए इतना सारा पनीर भी निकल गया है उस वेस्ट बटर मिल्क के अंदर से। ये देखिए इससे आप बच्चों के लिए पराठे बना सकते हैं पनीर के आप, या फिर सब्जी में डाल सकते हैं। तो देखिए जो दूध आप ऐसे इस तरह से फेंक देते हैं उससे हमें कितना पनीर निकाल लेते हैं, और वो बाकी का जो दूध होता है उससे भी आटा गूंदने के लिए काम ले सकते हैं। ये देखिए हमारा इतना सारा मक्खन और इतना सारा पनीर एक कटोरी मलाई से यहाँ पे मैंने बना लिया है। तो देखिए अगर आपको मेरी ये टिप्स अपने किचन में यूज़ करके देखिएगा, अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ ताकि उन्हें भी ऐसी मज़ेदार रेसिपियाँ बनाने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।